नमस्कार साथियों, आज हम PGDT 2021 जो एग्रीकल्चर का पेपर हुआ है उसके बारे में, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एक बार। तो हम चेक करते हैं, यही क्वेश्चन हैं इनके, स्टेप टू स्टेप हम आंसर चेक करेंगे कि कौन आंसर कहाँ से और इसमें कैसे कैसे आएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो है, मेरे पास जो है सेट डी है। जी, ये सेट डी है मेरे पास। तो डी सेट का क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं, इसमें WTO अस्तित्व में कब आया। WTO जो पहले था वो GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो था उसको बदल के ये WTO में आ गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम बदल दिया था और ये जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर दो, तो क्वेश्चन नंबर दो में हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। जो ग्लेशियल है वो आइस से होता है, ग्लेशियल आइस से, इयोलियन हवा से, कोलुवियल ग्रेविटी से मतलब गुरुत्वाकर्षण से, और एलुवियल जो होता है नदियों द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसे एलुवियल कहते हैं। अगला है स्टेम अबव द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज, जो केले में ऊपर का जो तना है उसे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सक्कर। केले में राइजोम जो होते हैं वो तो नीचे, फिर आता है आपका सूडोस्टेम। सूडोस्टेम जो होता है जमीन से नीचे होता है, जो ऊपर होता है वो पाया जाता है सक्कर। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका, सक्कर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सक्कर कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है गेहूं में लूज स्मट। लूज स्मट जो है गेहूं में, न्यू ओसी इंडिका से करनाल बंट, पक्सीनिया स्पीसीज से रस्ट, और आपका अस्टिलागो नूडा, अस्टिलागो नूडा ट्रिटिसाई, अस्टिलागो सेजिटम ट्रिटिसाई से होती है लूजिस्मट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइबोफ्लोविन किस फल में होता है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा राइबोफ्लोविन जो होता है वो आपका डेट बेल में होता है जी, सबसे ज़्यादा राइबोफ्लोविन आपका होता है आपका बेल में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, करौंदा सिट्रस में विटामिन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई थी। एक्सटेंशन एजुकेशन सबसे पहले हुई थी USA में स्टार्ट, जो ये वर्ड आया था सबसे पहले निकल के ये USA में से आया था। इसके बाद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ काउ मिल्क, गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है वो होता है आपका 1.344 से 1.348 तक। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन शीप, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं, लैम्बिंग कहते हैं जी। इसका आंसर हो जाएगा लैम्बिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौ, बंडल मीजोफिलो बंडल सीड जो पाए जाते हैं वो पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं जी, पौधे की पत्तियों में मीजोफिल और बंडल सीड पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप कौन सा है जी, इसमें फॉस्फोमिडोन ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप है। ये पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, तो इनमें जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फोमिडोन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन बंची टॉप ऑफ शुगर केन जो है कि ये किससे कॉज होती है। बंची टॉप ऑफ शुगर केन, शुगर केन में जो टॉप बोरर लगता है, शुगर केन में जो टॉप बोरर लगता है, तो टॉप बोरर की वजह से उसमें जो बंची अपीयरेंस आ जाती है, तो बंची अपीयरेंस मतलब पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसका जो आपका इंसेक्ट है वो है सिर्फोफेगा निवेला। इसका साइंटिफिक नेम सिर्फोफेगा निवेला है टॉप बोरर का। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन जो होती हैं वो NO2 और SO2 की वजह से होती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी में H2O के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हैं और वही एसिड रेन का कारण है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन द मिल्क, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट सब जानते हैं लैक्टोज में पाया जाता है, जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इन दोनों शर्कराओं से मिलकर बना होता है। MSP को CACP डिसाइड करता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। प्राइमरी यूनिट ऑफ कम्युनिटी फैमिली है जी, फैमिली जो है वो एक समुदाय की प्राथमिक इकाई है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग
है प्रिंसिपल एक्सटेंशन एजुकेशन का। इसके बाद एगमार्क लोगो डिनोट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए हम एगमार्क लोगो उस पर डिसाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट सब जानते हैं सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सोयल टू सप्लाई एसेंशियल फर्टिलाइजर, सोयल फर्टिलिटी, सोयल की क्या कैपेसिटी है जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने की, वो सोयल मृदा की उर्वरता है, सोयल फर्टिलिटी कहलाती है। इनफ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर कर्ड कहलाता है जी, कैबेज में यही हेड कहलाता है। अगला है प्रिजर्वेटिव जो आंवला जूस में यूज किया जाता है सोडियम बेंजोएट, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, इन सब में सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। कौन सा वाटर इरोजन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, या मतलब जो सोयल फर्टिलिटी को नुकसान देता है वो होता है सीट इरोजन, क्योंकि सीट इरोजन क्या है ऊपरी सतह को भाग ले जाता है जहाँ पे हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो होते हैं, जो सारी फर्टिलिटी है जो फर्टिलाइजर हैं न्यूट्रिएंट हैं जो होते हैं सब ऊपरी सतह पर होते हैं, तो वो उनको ही बहा के ले जाता है, तो वो जो इरोजन होता है उसको सीट इरोजन कहते हैं। किल्ली हो जा पैर, तो किल्ली चल रही, फिर दिक्कत क्या आ रही तुझे। तो इसका अगला क्वेश्चन जो है आपका डेपोक मेथड ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स। डेपोक मेथड जो है वो फिलीपींस में डेवलप हुआ था और उसको जापनीज और फिलीपींस दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन डेवलप जो हुआ था वो फिलीपींस में हुआ था जी। टेट्रोजोजम टेस्ट जो है वो डिटरमाइंड करता है आपका डिहाइड्रोजिनेज को जी, डिहाइड्रोजिनेज को आपका ये जो है डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटीज़ को वो डिटरमाइन करता है। कौन डिटरमाइन? टेट्रोजोलियम टेस्ट। इसके बाद एगमार्क जो हुआ था वो 1937 में आया था, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनानास का खाया जाने वाला भाग जो है वो बीज कोष या पेरिकार्प, इसका यह आंसर है। इसके बाद फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मक्का गंगावन, निमराज सुंडा से सीधे सीधे क्वेश्चन। इसके बाद विच टाइप ऑफ सीड आर जनरली यूज बाई फार्मर्स, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का सर्टिफाइड सीड यूज़ करते हैं फार्मर्स मोस्टली। अगला क्वेश्चन किस पीएच पे प्लांट बेटर ग्रोथ करते हैं, वो 6.5 से 7.5। डीहॉर्निंग काफ में कब की जाती है जी, डीहॉर्निंग जो मतलब सिंग रोधन होता है वो बछड़े में किया जाता है जब वो 10 दिन का हो जाता है, 10 दिन की उम्र पर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसमें होता है आपका कैल्शियम CaN4H4O9। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें इसमें एक कैल्शियम, चार हाइड्रोजन और ये ब्रैकेट में तीन और एक चार नाइट्रोजन और एक और नौ ऑक्सीजन, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट में जो है मतलब लोकलाइज मतलब प्लांट के बिल्कुल पास में, बिल्कुल लोकल में, तो उसके लिए जो प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका प्लोसोल प्लेसमेंट, हल्के नीचे हल्के साथ साथ जो हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन देते हैं उसको कहते हैं प्लोसोल प्लेसमेंट, और वही आपका लोकलाइज प्लेसमेंट होता है। फालसा कमर्शियली बीज से प्रोपेगेटेड किया जाता है, जो फालसा है उसका व्यावसायिक प्रवर्धन जो होता है वो बीज से होता है। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलाइंग रॉक्स उसको कहते हैं जी आपका रिगोलिथ जी, रिगोलिथ जो है आपका वो अनकंसोलिडेटेड सॉइल मटेरियल है जो रॉक्स के ऊपर पाया जाता है।
सोलम जो होता है वो भूमि का जो होराइजन होते हैं उन सबको मिला के सोलम कहते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1952 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1952 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो आंसर सी इसका हो जाएगा। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ था इसका 1935 में, लेकिन नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद पीट सॉयल्स जो होती हैं वो एसिडिक सॉयल होती हैं, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हैं कि एसिडिक सॉयल अल्कलाइन और न्यूट्रल वाले। इसके बाद ये ब्लैक होती है, हैवी होती है और एसिडिक सॉयल होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। टाइफून मेथड ऑफ इरीगेशन शुगर केन में यूज़ किया जाता है। टाइफून मेथड ऑफ इरीगेशन शुगर केन में यूज़ किया जाता है। पार्टिकल साइज क्ले का बहुत बेसिक क्वेश्चन, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, लेस देन 0.002 mm। इसके बाद गोट की वो ब्रीड जो कि जर्सी के नाम से जानी जाती है, जी नूबियन जो है वो जर्सी के नाम से जानी जाती है, नूबियन, एंग्लो नूबियन कहते हैं जिसको। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल एड, पपेट शो। पपेट शो में क्या होता है आपका, कठपुतली में पीछे से आवाज़ भी आती है जिसमें वो कुछ गाता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता है। ड्रामा में भी आवाज़ आती है, तो ये ऑडियो विजुअल, ये भी ऑडियो विजुअल। और इसके बाद जो टॉकिंग डोल है वो भी ऑडियो विजुअल है, क्योंकि आप उसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन स्लाइड में हम केवल सुनते हैं, देखते हैं, सुनते कोई नहीं है, तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है। स्लाइड में केवल जो होता है आपका वो विजुअल होता है, इसलिए इसको विजुअल एड कहेंगे, केवल दृश्य का प्रसाधन है ये। रानी खेत मुर्गियों में लगने वाली वायरल डिजीज़ है, वायरस के द्वारा होती है। माउथ पार्ट ऑफ पायरेला इंसेक्ट, पायरेला के होते हैं आपके पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, जी चुभाने और चूसने वाले, जिससे कि वो चुहा के रस चूसते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजर जो भारत में सबसे पहले उत्पादित किया गया था वो था सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट ही ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें आपके तीन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है सिंगल सुपर फास्फेट। 16% फॉस्फोरस, P2O5 कहते हैं जिसे, P2O5 की फॉर्म में, और 19% आपका कैल्शियम और 12% सल्फर, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट ही प्रोवाइड कराता है ये, जिसमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी। इसके बाद फुट एंड माउथ डिजीज जो कैटल्स की है वो कोज होती है वायरस से, जी वायरस के आंसर है, वायरस के द्वारा वो फैलती है। इसके बाद आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है लिसनिंग। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है लिसनिंग, कि हम सुनते हैं, ध्यान से सुनना ही एक उसकी आर्ट है। स्लीपिंग बिल्कुल नहीं है, फीलिंग भी कोई मतलब नहीं है उसमें, फीलिंग्स का कुछ नहीं होता। लर्निंग सीखते जरूर है, लेकिन आर्ट जो कम्युनिकेशन की है वो लिसनिंग है, ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ राइप मैंगो, पके हुए आम की स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 होती है, मतलब पानी से हल्का सा इसका घनत्व ज़्यादा होता है। अगर हम इसकी मैंगो की, पके हुए मैंगो के किसी पार्ट को हम पानी में डाल दें तो वो नीचे डूब जाएगा, इसका मतलब उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। वसा की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हल्की होती है, इसलिए वसा पानी के ऊपर तैरती है या दूध के ऊपर तैरती है। इसके बाद है बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट। ब्रिंजल में जो कड़वाहट होती है, बैंगन में जो कड़वाहट होती है वो सेल 16-sodine के कारण होती है। इसके बाद न्यूट्रिएंट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइटिंग एंड फाइटिन, जी फाइटिन और फाइटिन के से जो हम है इसका है फॉस्फोरस। न्यूट्रिएंट जो सीड में स्टोर्ड होता है वो आपका फाइटिन और फाइटिंग फाइटिक एसिड और फाइटिन के रूप में जो होता है वो होता है फॉस्फोरस। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसमें दिया हुआ है फॉर्मूला है P2O5 को कन्वर्ट करने का फॉस्फोरस में, तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला है वो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका P2O5 × 0.43, तो उससे P निकल आएगा, और अगर P में आप 0.29 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका P2O5 आता है। इसके बाद एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका सोयल में 27%, बेसिक क्वेश्चन है, सोयल की जो कंपोजिशन होता है उसमें आता है क्वेश्चन, तो ये 27% सिलिका होती है सोयल में। अगला क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अकोमोडेट 81% मोर प्लांट्स,
81% मोर प्लांट्स जो होते हैं इसमें, क्विंकन्स जो है इसमें 50% से ऊपर प्लांट्स आते हैं, बाकी और सब में 50% से कम प्लांटिंग आती है, तो क्विंकन्स सिस्टम इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। बाकी आपको जो लगे एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। बेस्ट टाइम ऑफ कास्ट्रेशन इन काफ, बछड़े में कास्ट्रेशन का सही समय लिखा है 1.5 से 2 महीने। अब 1.5 से 2 महीने तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप 2 से 4 महीने, 15 दिन का जब बछड़ा होता है आप उसको कास्ट्रेट नहीं कर सकते। 15 दिन का बछड़ा तो बहुत ही मतलब एक बच्चा होता है, उसको तब खाना स्टार्ट कराते हैं। 15 दिन पे जब उसका रूमेन काम करना स्टार्ट कर दिया तब उसको हम भूसा या चारा देना, हरी हरा चारा देना स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें 8 से 10 वीक होना चाहिए। बाकी जो आयोग बताएगा वो देखेंगे क्या होगा, आयोग क्या बताता है इसको। जी अगला क्वेश्चन है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस आपका बढ़ा ज़्यादा होता है एवरेज प्रोडक्ट प्राइस से, तो एवरेज प्रोडक्ट प्राइस जो है आपका वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगा। जी ये आपका बढ़ते हुए क्रम में होगा आपका एवरेज प्रोडक्ट प्राइस। जी इसके बाद हम बात करेंगे कि करेक्ट सेंटेंस इसमें कौन सा है। तापक्रम घटता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है। जी हाँ, सबसे पहले हम जो हमारा सबसे नीचे स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर मतलब ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है। 6.5 डिग्री या 6.3 डिग्री या 6 डिग्री से पर किलोमीटर के हिसाब से वो टेम्परेचर घटता है आपका। इसके बाद सीड रेट ऑफ कंपोजिट मेज, कंपोजिट मेज का सीड रेट है वो 15 से 20 किलो दिया हुआ है, इसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा 15 से 18 किलो। ये नेमराज हुंडा का सोर्स है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो बुक है आपकी नेमराज हुंडा कंपिटेटिव बुक है एग्रीकल्चर, उसमें जो सोर्स है उसमें 15 से 20 किलो दिया हुआ है, तो 15 से 18 किलो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। 18 से 20 किलो भी हो सकता है पर 15 से 20 18 किलो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मैं मानता हूँ इसमें। प्रूनिंग इन बेर, बेर में जो प्रूनिंग होती है वो हम समर सीजन में करते हैं, मतलब करते हैं अप्रैल मई में। कब करते हैं? अप्रैल मई में करते हैं, और अप्रैल मई जो है आपका ये आपका समर सीजन आ जाता है, तो समर सीजन में हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। बेर में सबसे ज़्यादा प्रूनिंग करते हैं, मोस्ट विग्रस प्रूनिंग होती है बेर में। एलुवियम सोयल की जो ओल्डर सबसे पुरानी मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं, जो ताजी ताजी होती है उसको खादर कहते हैं, जो पुरानी होती है उसको बांगर कहते हैं। इसके बाद मोड ऑफ पोलिनेशन मेज, मेज जी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, मेज में होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रॉस पोलिनेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, जाइलम जो होता है वो नॉन लिविंग और लिविंग सेल्स से बना हुआ होता है। जी इसका आंसर है बी, इसमें क्या होता है 3 डेड सेल्स होती हैं और एक लिविंग सेल होती है इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सोयल्स, बल्क डेंसिटी जो होती है मोस्ट ऑफ द सोयल्स की वो होती है आपकी 3.25 से 3.4। पार्टिकल डेंसिटी की दुगनी होती है, पार्टिकल डेंसिटी आपकी 1.65 के आसपास होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज टू परफॉर्म सेकेंडरी टिलेज, जी इसके लिए सबसे सिंपल आंसर हैरो, हैरो सेकेंडरी टिलेज करते हैं, देसी प्लो डिस्कलो से प्राइमरी टिलेज करते हैं। इसके बाद सीड रेट ऑफ पर्ल मिलेट पर हेक्टेयर, ये है जी 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर, बाजरा का हम बीज दर यूज़ करते हैं। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया ईजे बटलर, राजकिरण जो है वो बार्ले की, जो कि निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसको मोलिया रेजिस्टेंट भी बोलते हैं, मोलिया रेजिस्टेंट भी बोलते हैं इसको। इसके बाद पडलिंग करते हैं धान में, धान में जो पडलिंग करते हैं वो करते हैं हम परकुलेशन वाटर को कम करने के लिए, जो पानी का परकुलेशन लॉस है उसको कम करने के लिए हम करते हैं पडलिंग। जी इसके बाद है कोजलोमिजम येलो रस्ट, येलो रस्ट मतलब पीला रतवा, गेहूं में जो पीला रतवा होता है उसका कोई ऑर्गेनिज्म क्या है? पक्षिनिया ग्रैमिनिस्टिटिस आई ब्लैक रस्ट, पक्षिनिया रिकोंडिटा ब्राउन रस्ट,
और आपकी पक्षिनिया स्ट्रिफॉर्मिस येल्लो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं इसको। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी। इसके बाद द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है पायरोनोमीटर। जी, पायरोनोमीटर से हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन को नापते हैं। नेमराज रुंडा से सीधा सीधा इसका आंसर। फॉलोइंग सिस्टमिक फंगिसाइड, सिस्टमिक फंगिसाइड अगर हम बात करें तो बोर्डिएक्स मिक्सचर जो है वो कॉन्टैक्ट है। जी, बोर्डिएक्स मिक्सचर तो कॉन्टैक्ट पॉइजन है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है। मेटालेक्सिल ये आपका सिस्टमिक फंजीसाइड है। इसके बाद गोला पॉपुलर वैरायटी है बेर की। विंड ब्रेक जो है हम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में लगाते हैं। जी, नॉर्थ वेस्ट साइड में हम जो आपका ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस साइड में हम आपका विंड ब्रेक लगाते हैं। इसके बाद क्रेंज एनाटॉमी सी फोर प्लांट में पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब है आपका कि जो आपके उसमें वैस्कुलर सिस्टम होता है, वैस्कुलर सिस्टम में ऊपर जो होता है आपके क्लोरोफिल, मतलब ये आपका एक वैस्कुलर बंडल हो गया। तो वैस्कुलर बंडल में कुछ इस तरह हार के प्रकार के आपके क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को, ये हार के प्रकार का होता है, इसको क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये सी फोर प्लांट में पाई जाती है, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद है कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो रेस्पॉन्सिबल था ग्रेट बंगाल फैमाइन के लिए, जब बंगाल में भुखमरी आई थी जो कि 1943 में आई थी आपकी, 1943 में आपकी ये आई थी बंगाल फैमाइन। तो बंगाल फैमाइन 1943 में आई थी और इससे हुआ था आपका ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। जी, तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस जो हुआ था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, तो ये हुआ था जिससे कि बंगाल फेमाइन आई थी सन 1943 में। इसके बाद एगमार्क लैब नागपुर में लोकेटेड है। ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया। जी, आपका यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर है, एमाइड फॉर्म में होता है। बाकी ये जो हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर है बाकी जो उसमें दिए हुए हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च बिफोर इंडिपेंडेंस। जी, अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, इनके सबके मैं बात करता हूँ, आपकी जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट हुआ था ये हुआ था 1948 में। कोऑपरेटिव मूवमेंट हुई थी 1904 में, 1904 में हुई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसके बाद सामुदायिक विकास योजना या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था 1952 में। इसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES आया था 1953 में। तो आप खुद डिसाइड कर दो, ये 1904 में हुआ सहकारिता आंदोलन, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट आई थी आपकी इंडिपेंडेंस से पहले। इसके बाद ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, प्राचीन काल से हम रामलीला देखते आ रहे हैं उसमें ही कम्युनिकेशन होता है, तो ये ट्रेडिशनल मीडिया है। रेडियो टेप रिकॉर्डर दोनों लगभग सेम एज के हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रिंट अब नई फॉर्म है, तो रामलीला जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है। कंसेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वो आया सबसे पहले USA में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद कौन सा न्यूट्रिएंट है जो असेंशियल है या जरूरी है पोलिनेशन फ्रूट एंड सीड सेटिंग के लिए। जी, इसमें बोरॉन इसका आंसर होगा। जो बोरॉन है उसी के बेस पे ही, मतलब उसी से ही वो मेन किरदार निभाता है पोलन के जर्मिनेशन में और पोलन के आगे वायबिलिटी के लिए वो बोरॉन ही उसमें ज़रूरी होता है। इसके बाद डुअल पर्पज़ ब्रीड ऑफ गॉट जमनापारी, जमनापारी जो है वो आपकी डुअल पर्पज़ ब्रीड है। बर्बरी जो है उसको सिटी गॉट बोलते हैं। मारवाड़ी जो है आपकी डिजीज रेजिस्टेंट, बीमारियों से रेजिस्टेंट ब्रीड है। और ये है आपकी जेट ब्लैक कलर की होती है। जी, मारवाड़ी जो है आपकी ये जेट ब्लैक कलर की होती है, मतलब बिल्कुल काला रंग होता है इसका। और अगर हम बीटल की बात करें तो बीटल रिजेंबल करती है जमनापारी को, जमनापारी जैसी दिखती है और ये डेरी टाइप ब्रीड है, ये डेरी टाइप ब्रीड है बीटल, तो इसका आंसर होगा जमनापारी। इसके बाद वेरी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, सबसे ज़्यादा जो ड्वार्फ है, सबसे बोना मूल वृंत जो है वो M27 है, और M27 सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला भी मोस्ट प्रोमिनेंट जो है कल्टीवार या रूट स्टॉक है इसका। इसके बाद फर्टिलाइजर विच सप्लाई थ्री एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट,
जी मैंने अभी आपको बताया था कि SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो आपको तीनों प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। DAP में दो होते हैं, मतलब तीनों प्रकार के मतलब असेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि आपका कैल्शियम होता है, आपका सल्फर होता है, और कैल्शियम सल्फर और आपका फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस हो गया आपका 16%, कैल्शियम 19%, और ये आपका सल्फर होता है 12%। दिस टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मर। शॉर्ट शॉर्ट रेंज जो हम यूज़ करते हैं वो तो होता है जो आपका 24 से लेके 72 घंटे के लिए बताई जाती है। ये पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस के लिए, कि आपको पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना है, इरीगेशन देनी है नहीं देनी है। मान लिया आपने अब शाम को इरीगेशन दे दी, कल सुबह बारिश पड़ गई तो आपका पेट्रोल डीजल या जो भी बिजली का खर्चा है वो नुकसान हो गया उसका, तो इसलिए इसके लिए हम शॉर्ट रेंज मीडियम वेदर फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। मीडियम रेंज जो है वो 10 से 12 दिनों के लिए होती है। तो ये आपका आपका निकाई गुड़ाई जुताई उन सब के लिए यूज होती है, उसमें हम काम करते हैं इसका। और जो बुआई के लिए होती है मेन, मान लिया बीज बो दिया और पता लगा 2-3 दिन बाद बारिश पड़ गई तो ज़्यादा पानी भर गया खेत में तो उसका नुकसान होगा, या हम खेत तैयार करने वाले हैं आज खेत तैयार करके आए और 2-3 दिन बाद बारिश पड़ गई तो उससे दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो 6 महीने के लिए होती है। एक तो ये क्या होता है, ये आपको बता देती है 6 महीने से 1 साल के लिए होती है। ये बता देते हैं कि इस साल आपका इतना मानसून रहेगा, इतनी बारिश पड़ेगी, इतनी नमी रहेगी, तो उससे क्या होगा हम अपनी क्रॉप डिसाइड कर लेंगे। अगर कम पानी पड़ा है, कम पानी पड़ेगा, मानसून हल्का रहेगा तो हम कम पानी चाहने वाली फसल बोएंगे, और ज़्यादा वर्षा होगी या मानसून अच्छा रहेगा तो हम अच्छी पानी चाहने वाली फसलें बोएंगे जो कि आपका वाटर लॉग कंडीशन में भी काम कर सकें। तो इसलिए तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन जो हो गया वो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। जी प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद वैक्सिंग जो करते हैं फ्रूट की, वो आपका रिडक्शन इन रेस्पिरेशन रेट, जी वो आपके श्वसन में दर भी घटाता है और ट्रांसपिरेशन भी घटाता है। पर कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये केवल रिडक्शन, इसका मेन जो काम है वो केवल रिडक्शन पे होता है, तो इसमें हल्का कन्फ्यूजन है ये और इन दोनों आंसर में। जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, फिर आंसर की आएगी तब उसे देखेंगे क्या है इसका आंसर। फ्रूट ऑफ बाजरा एंड सोरगम, सीधा सीधा बाली लिखा हुआ है जी, बाली होता है सबसे सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसके बाद गेस्टेशन पीरियड इन स्वाइन 114 दिन होता है, 114 दिन होता है सुअर में गेस्टेशन पीरियड। इसके बाद फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एल ए रामदास, एल ए रामदास ने इंडिया में आपका मेट्रोलॉजी का काम स्टार्ट किया था, एग्रोमेट्रोलॉजी का मेन। इसके बाद क्वेश्चन 89, इनमें फैमिलीज जो हैं वो मैच करनी है। सूरजमुखी कंपोजिटी का होता है, कॉटन मालवेसी का होता है, जो कैस्टर है वो आपका U4BAC का होता है। जी कैस्टर होता है U4BAC का। तो इसमें यही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है लिंक दैट कनेक्ट द सोर्स विद द रिसीवर, सोर्स को रिसीवर के साथ जो कनेक्ट करता है वो है चैनल। चैनल होता है मीडियम, जो बीच में किसी चीज़ को कनेक्ट करता है वो होता है चैनल। मैसेज तो एक कंपोनेंट है जो इधर से उधर जाएगा, लेकिन जो इसमें आपका कनेक्ट करेगा वो होगा आपका चैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन है पौधे में सिस्टीन अमीनो एसिड, उसका संश्लेषण से जो संबंधित पोषक तत्व है वो आपका सल्फर। जी सल्फर आपका सिस्टीन अमीनो एसिड से संबंधित है पौधे में। इसके बाद हैन का बॉडी टेम्परेचर, मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे ज़्यादा जो ये आपके डेयरी लाइव स्टॉक, आपके जो लाइव स्टॉक हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है बॉडी टेम्परेचर वो होता है मुर्गी का 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्रोनॉमिक मीजर ऑफ सॉयल कंजर्वेशन आर इफेक्टिव अप टू, जी 2% स्लोप तक ही काम करते हैं आपके जो भूमि संरक्षण होते हैं।
जो भूमि संरक्षण में आपकी भूमि को संरक्षण करने के लिए कि जो हम शस्य विधियाँ करते हैं वो इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं, वो केवल 2% तक ही काम करते हैं, 2% के ढाल तक। उसके बाद फिर हमें अन्य प्रक्रियाएं यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका बेंच टेरेसिंग है या मतलब टेरेसिंग है, वो सब यूज़ करना पड़ता है। 94 क्वेश्चन जी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल ऑर्गेनेल में क्या है? लाइसोसोम, जो कि हाइड्रोलाइसिस करता है। लाइसोसोम मतलब लाइस, लाइस मतलब ख़त्म कर देना, तो लाइसिस कर देता है, तो यही जो है आपका लाइसोसोम, ये आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं सेल में। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, जी फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल मोस्ट प्रोमिनेंटली सब बताते हैं कि एप्पल, लेकिन पाइन एप्पल को भी उसी में कंसिडर कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका पाइन एप्पल होना चाहिए, बाकी आयोग बताएगा या फिर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सलाइन सॉयल, जी सलाइन सॉयल में क्या होता है? जो एक्सचेंजेबल साल्ट हैं आपके, जो एक्सचेंजेबल साल्ट हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं, जिनकी उनकी घुलनशीलता ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसमें क्या है, एक्सचेंजेबल साल्ट ज़्यादा होते हैं, तो ये 4 से ज़्यादा इसकी ईसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पोटास देने के लिए, 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए म्यूरेटॉफ पोटास की कितनी मात्रा देनी पड़ेगी? तो इसमें क्या है कि आपका 100 किलो जो आपका पोटास, 100 किलो जो म्यूरेटॉफ पोटास है उससे मिलती है हमें 60 किलो मात्रा, 100 किलो से मिलती है हमें 60 किलो। तो जो 50 किलो मिलेगी वो हमें मिलेगी 100 × 50/60 से। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 83.5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल का? जी कोशिका भित्ति का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है आपका सेल वॉल। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 में पास हुआ था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के बाद आपका 1957 में आ गया था फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ गया था, तो ये आपका 1957 में पारित हुआ था। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ एक और आया था इसमें 1985, लेकिन 1985 यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो 1957 वाला जो ऑप्शन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें होगा। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ सिंगल बायर फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय अ फर्म, ओलिगोपोली होता है आपका सेलर्स के लिए, डुओपोली ओलिगोपोली होता है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, डुओपोली जहाँ पे दो सेलर्स होते हैं, मोनोपोली जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, उसके ही उसका ही सब कुछ वो चलता है अधिकार। लेकिन ये जो मोनोपसोनी है यहाँ होता है बायर के लिए, ये होती है आपकी बायर के लिए, मतलब इसे क्रेता का एकाधिकार कहते हैं, इस पे लिखा हुआ है हिंदी में साफ साफ, क्रेता एकाधिकार। इसके बाद क्वेश्चन 101, मिली बग जो है वो सोयल में अपने अंडे देती है? जी, स्टेम के पास नीचे जाके मिट्टी में, जो मैंगो का स्टेम होता है उसके पास नीचे जाके, पेड़ के पास नीचे मिट्टी में जाके अपने अंडे देती है, फिर वहाँ से वो आपके हैच होते हैं, वो हैच होके फिर वो क्रॉल करके पेड़ पे ऊपर चढ़ते हैं, जिसके लिए हम इसमें फिर पॉलीथीन की बाइंडिंग करते हैं तने के चारों तरफ, इसको रोकने का कंट्रोल मेजर है। इसके बाद 102, रिप्रोडक्शन इन लीफ, जो बिगोनिया है उसमें लीफ से रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रिला जो है इसमें आपका टूरियंस होते हैं या फिर आपके होते हैं, इसमें मेन तो इसमें टूरियंस हैं। जी तो हाइड्रिला में होते हैं आपके टूरियंस, जिन्हें हम कॉम्पैक्ट डोरमेंट बर्ड कहते हैं। इसके बाद जैस्मिन में तो आपके बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, बर्डिंग है, सकर्स हैं, ये सब भी होते हैं। तो हाइड्रिला जो है वो पत्ती, हाइड्रिला की पत्ती से ही एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉडी एक्स मिक्सचर जो कॉमनली यूज होता है वो होता है मृदुरोमलासिता या डाउनी मिल्ड्यू के लिए बॉडी एक्स मिक्सचर यूज होता है। जी बॉडी एक्स मिक्सचर इन ही, केवल डाउनी मिल्ड्यू के लिए ही बॉडी एक्स मिक्सचर यूज होता है। सबसे पहले ये अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू में यूज किया गया था डॉक्टर पीएमए मिलार्डेट द्वारा। इग्नियस रोग का एग्जाम्पल आपका डियोराइट, जी डियोराइट आपका इग्नियस रोग का एग्जाम्पल है। इसके बाद बाउंड्री लेयर बिटवीन द वाटर एंड द एयर इज कॉल्ड पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन,
जो पानी अगर हम मान लिया एक बूंद या कहीं भी, जो पानी अगर हम आपको एक गिलास है उसे लबालब भर दें, तो इस गिलास में जो पानी जब यहाँ तक भरेंगे तो इसके बाद ये हल्का ऊपर ऐसे आ जाता है। तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है कि वो उससे बाहर नहीं निकलता, लेकिन वो गिलास से बाहर होता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। तो ये सरफेस टेंशन है जो एयर और पानी के बीच में बाउंड्री का काम करता है। इसके बाद CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अबीकानगर टोंक राजस्थान में है ये। इसके बाद आपका pH ऑफ काउ मिल्क। अब काउ मिल्क जो pH है, इस पे भी बहुत सारे अलग अलग, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मान सकता हूँ मैं, कि जो जनरल काउ मिल्क है वो 6.7 से 6.9 तक होता है। नॉर्मल मिल्क का जो pH है वो 6.5 से 6.7 होता है। अब इसमें ऑप्शन 6.8 से 6.9 दे रखा है, 6.7 से 6.8 दे रखा है, बहुत क्लोज ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब जो भी आपका आयोग बताएगा वो उत्तर सही होगा, मैं तो इसको ए मान के चल रहा हूँ। इसके बाद अदसाली प्लांटिंग जो होती है शुगर केन की, वो होती है जुलाई अगस्त में। जी, अदसाली प्लांटिंग जो है शुगर केन की, वो होती है आपकी जुलाई अगस्त में। इसके बाद मॉडर्न वैरायटी है सनफ्लावर की, हाइब्रिड वैरायटी है सनफ्लावर की मॉडर्न। जी, अगला है पैसिव फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन। सोयल फॉर्मेशन का पैसिव फैक्टर जो है वो है आपका पैतृक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल। जलवायु और जीव जो हैं ये आपके एक्टिव फैक्टर हैं, एक्टिवली सोयल फॉर्मेशन पे पार्टिसिपेट करते हैं और ये उसको वेदरिंग करते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को, मोदी गवर्नमेंट ने अगले साल ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी। योजना आयोग से नाम बदल के इसका नीति आयोग कर दिया था। इसके बाद 112, एडम स्मिथ आपके इसमें आंसर है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सब जानते हैं एडम स्मिथ को, तो ये आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ट्रोपोस्फियर में जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ट्रोपोस्फियर जो है आपका, ये है आपका, जी हाँ ट्रोपोस्फियर, जी ट्रोपोस्फियर में जो है आपका ये 6.5 किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर आपका जो है हाइट के साथ में टेम्परेचर घटता है। ट्रोपोस्फियर जो आपका सबसे पहले होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, इस तरह चार होते हैं। तो सबसे नीचे जो होता है पर ट्रोपोस्फियर होता है। ट्रोपोस्फियर में आपका जो टेम्परेचर है वो ऊंचाई के से बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ये मार्शल ने दिया था, मार्शल ने आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस दिया था। साइंटिफिक नेम ऑफ सोरगम स्टैम्बोरर, सोरगम स्टैम्बोरर का नाम आपका चिलोपार्टेलस, ये इसका मेजर पेस्ट है। गूगल पे सब सर्च करोगे तब सिसामिया स्पीसीज दिखाएगा वो, लेकिन सिसामिया स्पीसीज जो है पॉलीफेगस पेस्ट है, ये और भी औरों पर भी काम करता है, लेकिन चिलोपार्टेलस जो है ये मेन प्रोमिनेंट इंसेक्ट है इसका, सोरगम का स्टैम्बोरर, जो सोरगम को स्टैम को बोर करता है। इसके बाद ड्रेस, जी ड्रेस जो क्वेश्चन है काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, तो ये अभी मोस्ट जनरली लोगों ने सुना भी नहीं है काफ़ी लोगों ने, तो इसका जो आपकी फुल फॉर्म है ये होती है इसकी डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक एंड रिकमेंडेशन, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये न्यूट्रिएंट सप्लाई का एक सिस्टम है जो कि पौधों में न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, और ये फ्रूट क्रॉप्स के लिए होता है मेनली। तो जी ये होता है मेनली फ्रूट क्रॉप्स के लिए। तो फ्रूट क्रॉप्स इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका वेजिटेबल क्रॉप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल आपकी इसमें ये फार्म बिल्डिंग, मशीनरी और फैक्ट्रीज, ये आपकी सब फिक्स कैपिटल हैं, सब फिक्स कैपिटल के रूप में यूज़ किया जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। इसके बाद ड्यूअल पर्पस ब्रीड,
थार पार्कर है, बाकी जो तीन हैं ये आपकी मिल्च ब्रीड हैं, और ये आपकी ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड है। थार पार्कर दुगाजी नस्ल है, बाकी सब दुधाड़ू नस्ल हैं। इसके बाद टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप नेलोर, टॉलेस्ट ब्रीड है। करेक्ट स्टेटमेंट जो है, क्वार्ट्ज जो है एक टेक्टोसिलिकेट मिनरल है। जी हाँ जी हाँ, क्वार्ट्ज जो है एक टेक्टोसिलिकेट मिनरल है। इसके बाद कौन सा इसमें प्रिंसिपल नहीं है एक्सटेंशन का? जी इसमें प्रिंसिपल जो एक्सटेंशन का वो कौन सा नहीं है, प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग भी है जी। इसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन भी है, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप भी है, और आपका ये प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन, ये आपका इसका प्रिंसिपल नहीं है एक्सटेंशन का। बैंकों का नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। फ्रूट राइपनिंग के लिए हम इथाइलिन हार्मोन है उसको यूज़ करते हैं फलों को पकाने के लिए। इसके बाद द वे इन विच मैसेज इज हैंडल्ड बिफोर प्लेसिंग इन चैनल, चैनल से प्लेस करने से पहले हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करेंगे मतलब उसको हम उपचारित करेंगे, उसको अगर उसमें कमी है तो उसको देखेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसको बाद की प्रॉपरली एक मैसेज आगे तक जाए तो ट्रीटमेंट होगा। फीडबैक मैसेज पहुंचने के बाद आएगा। डिकोडिंग जब मैसेज पहुंच जाएगा, अगर किसी समझ में नहीं आ रहा तो उसको डिकोड करेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपनी सुविधा के अनुसार उसे डिकोड कर लेते हैं, लेकिन मैसेज चैनल में प्लेस करने से पहले उसको ट्रीटमेंट होता है जी। गुड़गांव प्रोजेक्ट एफ एल ब्रायन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने आपको सभी क्वेश्चंस मोस्ट अप्रोप्रिएटली मैंने कोशिश की है कि सभी आंसर आपको ठीक ठीक दे सकूं। बाकी अगर आपको इसमें कोई गलत लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और ये बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही लग रहे हैं आपको, कि हाँ आपने क्वेश्चन इतने सही किए हैं, तो उससे एक अंदाज़ा लगाएंगे आपको क्या लगता है कि मेरिट कहाँ तक जाएगी, इंटरव्यू कॉल कहाँ तक आ सकती है। धन्यवाद।